चल भाई हो गया, ट्राइसेप स्टार्ट करते। नहीं भाई, इनर चेस्ट का बाकी है ना, दो तीन एक्सरसाइज मारेंगे, वो बीच वाली लाइन बहुत प्यारी दिखती। भाई इनर चेस्ट का कुछ नहीं रहता, चेस्ट में दो ही मसल है, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर। पेक्टोरलिस मेजर में तीन हेड है, अब उन्हें डिक्लाइन भी कर ली, इंक्लाइन भी कर रही है, पेडेक फ्लाई भी कर ली है। अभी आप उन बहुत ज़्यादा वेरिएशन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ओवर ट्रेनिंग होगी। ओवर ट्रेनिंग से क्या होगा, जितना मसल डेवलप होना रहेगा वो भी नहीं होगा, इसमें भी अपना प्रोग्रेशन नहीं होगा। अपने को मेन फोकस करना है कंपाउंड मूवमेंट जो आपने किए, इस पर अपने को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, जिससे अपनी चेस्ट की ओवरऑल थिकनेस बढ़ेगी, और जिससे थिकनेस बढ़ेगी उससे ही अपनी मिडल चेस्ट दिखेगी। फालतू के वेरिएशन ऐड करने से मिडल चेस्ट नहीं दिखेगी। और आप लोग भी गाइस बहुत ज़्यादा वेरिएशन ऐड मत करिए, जितना वेरिएशन ऐड करेंगे उतना ज़्यादा ओवर ट्रेन होगी चेस्ट। तो कंपाउंड मूवमेंट अपना फोकस करिए, उस पर अपना प्रोग्रेशन करिए, जिससे आपका क्या होगा, ओवरऑल चेस्ट की थिकनेस बढ़ेगी, और जितनी थिकनेस बढ़ी उसके बाद ही आपकी मिड लाइन विजिबल होगी। तो ज़्यादा वेरिएशन के चक्कर में मत पड़िए, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।